तो स्पष्ट है कि जैसे विपक्ष के नेताओं को तो स्वाभाविक है कि बड़ी बेचैनी और नींद भी खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर जगह जो है सूर्य की रोशनी की तरह उनको दिखाई दे रहा है और आज के बाद जितनी बची नींद थी वो भी उड़ने वाली है। बीजेपी की बहुत ही कामयाब रैली के बाद हमारे साथ बात करने के लिए सुपुत्र है बच्चन सिंह आर्य के अशोक आर्य जी, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की रैली रही आपकी। देखिए चुनाव चल रहा है और स्वाभाविक है कि आदरणीय लोकप्रिय ईमानदार की मिसाल पेश करने वाले हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी वो यहाँ पर आए थे जनता से अपील करने, सफ़ेदों की जनता से अपने बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री बच्चन सिंह आर्य जी के लिए। और जिस तरह से जनता का हुजूम आपके कैमरे और टीवी और आपके मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा है कि वो आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी उन एक ईमानदार और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रति और इस इलाके की जनता जिसकी दीवानी है, जिसके कार्यों की, जिसकी कर्मठता की, जिसकी ईमानदारी की, जिसकी मेहनत की और लगन की इस हलके की जनता दीवानी है, उसके लिए ये इलाके की जनता आदरणीय पिताजी चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी के लिए यहाँ एक विशाल हुजूम जो है वो यहाँ पर मौजूद था, वो आप सब ने देखा जी। जैसे कि बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों के लोग भी टकटकी लगाए, नेता भी टकटकी लगाए देख रहे थे कि क्या रहेगा, कैसा हुजूम उमड़ेगा, क्या मुख्यमंत्री का कह के जाएंगे, क्या प्रभाव लगा आपको? जी बिल्कुल, वो तो स्पष्ट है कि जैसे विपक्ष के नेताओं को तो स्वाभाविक है कि बड़ी बेचैनी और नींद भी खत्म हो चुकी है, तो वो आज का जो जैसा हजूम उन्होंने सड़कों के ऊपर दाएं बाएं कहीं भी किसी भी जगह एक एक कोने में एक एक गली के अंदर सड़क पे दुकान पे कहीं भी आप देखो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर जगह जो है सूर्य की रोशनी की तरह उनको दिखाई दे रहा है और आज के बाद जितनी बची हुई नींद थी वो भी उड़ने वाली है। रैली का आगाज थी, अंजाम कहाँ तक होने वाला है? अंजाम बिल्कुल जो है अंजाम तो आप देख ही रहे हैं कि 21 तारीख को जो है वो हमारे बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कहा है कि वो कमल का बटन जो है वो इतनी स्पीड से दबाया जाएगा कि उसकी टींटी की आवाज़ जो है ना वो विपक्षियों के कान को जो है बिल्कुल सुन्न कर देगी। जो है वो कहा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत ही नज़दीकी मुकाबले में है, बहुत ही टक्कर दे रही है, कैसा मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, किन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जिन लोगों के द्वारा कहा जाने था वो मैदान में गायब हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुकाबले में तो आप इससे पहले लोकसभा का चुनाव था, बहुत ज़्यादा समय उसको नहीं हुआ है, वो बहुत चंद दिनों पहले की बात है, तो उसमें भी इस तरह की जो है उन्होंने सपने जो है वो दिन और रात दोनों समय वो ले रहे थे और जिस दिन पेटी जो है जिस दिन काउंटिंग स्टार्ट हुई और काउंटिंग में आपको भी पता है कि क्या हुआ, 85,000 वोट सफेदों की महान और बहादुर जनता ने, वो हमारे बहुत लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रमेश कौशिक जी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी। कांग्रेस को कहीं ना कहीं आपने कमजोर करने का काम किया, उसके बहुत बड़े योद्धा करमवीर सैनी के रूप में आपके साथ आज खड़े हैं, क्या इसका भी फर्क पड़ता है कि आप कांग्रेस को कम आंक रहे हैं? देखिए वो कम आंकने की और उसकी बात नहीं है, वो तो कम तो है ही नहीं, यहाँ पर दो ही लोग थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखा, आदरणीय करमवीर सैनी जी, वो मेरे पिताजी के पुराने मित्र भी हैं, वो एक ही विचारधारा के साथ एक ही पार्टी में भी रहे, साथ रहे, वो अलग बात है कि हर आदमी महत्वाकांक्षा से अपना प्रयास करता है, दो ही लोग थे जो यहाँ कांग्रेस को जिंदा रखे हुए थे और स्वाभाविक सी है कि वो दोनों भाई आज साथ हो गए, एक हाथ से हाथ मिला करके दोनों चल रहे हैं, उन्होंने अपने भाई का समर्थन किया है, उनको साथ देने का वादा किया और कर भी रहे हैं और बिल्कुल निश्चित ही हम बहुत बड़े मार्जिन से उनके आने के बाद हम इस परिवार को बहुत मजबूती मिली है, हम और बड़े मार्जिन के साथ जो है सफेदों से इस विधानसभा को जीतेंगे। चिंता का विषय रहेगा कुछ एक बड़े चेहरे सफेदों बीजेपी के, कुछ एक बड़े चेहरे आज आपके मन से नदारद थे? देखिए वो सबके अपने व्यक्तिगत कुछ ना कुछ कारण हो सकते हैं, किसी की अपने घर की या और दूसरी व्यवस्थाओं के कारण भी कई बार ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जो है बुखार का मौसम चल रहा है कि हो सकता है कोई बीमार हो या कुछ और वजह हो, तो उसका ऐसा कुछ नहीं है, सब एक नीति एक विचारधारा वो चल रहे हैं, पार्टी के साथ चल रहे हैं और पार्टी के ही कैंडिडेट हैं आदरणीय पिताजी चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी, तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है, व्यक्तिगत तो वो किसी ना किसी वजह से पारिवारिक परिस्थितियां हैं उसकी वजह से कहीं दाएं बाएं हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। कंचन टीवी आपका भी।
तो ये थे अशोक आर्य, जो दबी जुबान में स्वीकार करते हैं कि कुछ नदारत थे, लेकिन हो सकता है कि उनको वायरल हो, उनको बुखार हो, ये मतलब एक हंसी में उनको उड़ा देना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो चल रहा है, जो असंतुष्ट है शायद वो बीजेपी अभी मनाने में कामयाब नहीं हो चुकी है, लेकिन बीजेपी आखिरी मोमेंट तक कोशिश करेगी कि असंतुष्टों को मना के अपना खेमा मजबूत किया जाए, क्योंकि 75 पार का नारा तभी सार्थक होगा जब सभी सीटों पर मजबूती के साथ वो लड़ेंगे। इसके लिए वो भरपूर कोशिश करेंगे और हम भी कंचन टीवी भरपूर कोशिश करेगा, आपको पल पल की अपडेट देते रहें, सामाजिक और राजनीतिक हर तरह की खबर आप तक पहुंचाते रहें। तो बने रहेगा कंचन टीवी के साथ, कैमरामैन सहयोगी कपूर के साथ मैं यशपाल कंचन। देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल कंचन टीवी, आपकी आवाज, और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।